शहर भर में हर्षोल्लास से मनाया गया ज्योति का पर्व दीपावली। आधुनिकता पर परंपरा रही जिंदा। धूमधाम से मनाया गया गोवर्धन अन्नकूट महोत्सव में भाई दूज पर्व। शहरवासियों में दिखाई दिया उल्लास। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मनाया दीपावली स्नेह मिलन समारोह। नव कार्यकारिणी सदस्यों में भरा चुनावी जोश। और जवाजा में रंजिश के चलते युवक को अगवा कर मारपीट व लूट का मामला आया सामने। जवाजा पुलिस से भी आरोपियों ने की हाथापाई। नमस्कार, जय स्काय बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्यावर क्षेत्र में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस बार पहले की अपेक्षा आतिशबाजी कम हुई और रात 10:30 के बाद लोगों ने पटाखे नहीं फोड़े। दिवाली को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही लोग घर की सजावट एवं लक्ष्मी पूजन की तैयारी में जुटे नजर आए। बाजार में भी खासी चहल पहल रही। शाम होते ही समूचा क्षेत्र रोशनी से चकमगा उठा था। बिजली की झालरों एवं दियों से सजे घरों में विधि विधान से लक्ष्मी पूजन के बाद की आतिशबाजी के साथ दिवाली का जश्न शुरू हुआ। क्षेत्र में कहीं भी आतिशबाजी से कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। वहीं पुलिस फोर्स एवं अग्निशमन विभाग की टीम पूरी रात सुरक्षा को लेकर मुस्तैद रही। बृहस्पतिवार को लोगों ने विधि विधान से गोवर्धन पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। आधुनिकता के दौर में साफ तौर पर देखा गया कि सब कुछ बदला लेकिन परंपरा नहीं बदली गई। विधि विधान से निभाई गई परंपरा अनुसार सभी ने लक्ष्मी जी का पूजन कर सभी को ज्योति का पर्व माने जाने वाले दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। अभिभावकों ने उनके नौनिहालों द्वारा सभी को प्रणाम करना और एक दूजे के साथ अपनत्वता के धन को जिंदा रखने का सार्थक प्रयास भी देखा गया। इस बार मिठाई और फूलों की दुकानों पर अच्छी भीड़ नजर आई। रोशनी से नहाए बाजार में पिछली बार की तुलना में लगभग सामान्य ही माहौल नजर आया। इस बार पिछली बार की तुलना में प्रदूषण भी कम नजर आया। आमजन द्वारा इस बार पटाखों को कम अहमियत दी गई। वहीं दूसरी ओर युवा पीढ़ी ने भी अपने उम्र के लोगों के साथ दीपावली को यादगार बनाया। दिन भर सोशल मीडिया के माध्यम से हर कोई अपनी तैयारी और अपना उत्साह प्रकट करता नजर आया। विक्रेताओं ने बताया कि इस बार का दीपावली पर्व कारोबारियों के लिए पिछले वर्ष की भांति सामान्य रहा। दीपावली पर शहर का सुरक्षा तंत्र खासा अलर्ट रहा। डिप्टी हीरालाल सैनी और सिटी थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप दारा के नेतृत्व में गठित टीमों ने शहर भर में दीपावली त्योहार पर सख्ती दिखाई और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखा। शाम के समय चार दीवारी के भीतर चौपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई। वहीं दूसरी ओर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बैरिकेडिंग कर हर प्रकार से नजर रखी गई। पुलिस थाना अधिकारी दारा ने विशेष तौर पर शहर के विभिन्न हिस्सों में वर्तमान में लगाए गए 18 से अधिक कैमरों से भी शहर की हर गतिविधि पर नजर रख सुरक्षा व्यवस्था को अंजाम दिया। शाम के समय दारा स्वयं अपनी टीम के साथ बाजार के दौरे पर निकले और कानून व्यवस्था का पालन करने का आह्वान किया। इसके अलावा शहर में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गुरुवार को पुलिस कर्मियों की ओर से शहर में फ्लैग मार्च किया गया। सिटी थाना उप निरीक्षक ओम सिंह व सहायक उप निरीक्षक प्रभाती लाल के नेतृत्व में किए गए फ्लैग मार्च में CISF के शंकर लाल कमांडेंट के नेतृत्व में ब्यावर पहुंची एक टुकड़ी के जवान तथा सिटी थाना पुलिस के पुलिसकर्मी शामिल थे। इस दौरान पुलिस कर्मियों तथा जवानों के हाथों में शस्त्र भी थे। शहर में दीपावली पर्व के साथ साथ विधानसभा चुनावों में कानून एवं शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने तथा शहर की भौगोलिक स्थिति का जायजा लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी के उद्देश्य के किए गए सशस्त्र मार्च के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को शहर की भौगोलिक स्थिति तथा संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी दी गई। सिटी थाने से शुरू हुआ सशस्त्र मार्च SBI बैंक, सुभाष सर्किल, अग्रसेन बाजार, फतेहपुरिया चौपट, पंडित मार्केट, जामा मस्जिद, कसाबान मोहल्ला, हरिजन बस्ती,
चांग गेट अम्बेडकर सर्किल चांग गेट शाहपुरा मोहल्ला गुजरगोट छात्रावास मार्ग मेवाड़ी गेट भेरूजी का केचरा फतेहपुरिया चौपड़ अजमेरी गेट भगत चौराहा छावनी रोड छावनी अस्पताल रोड कंचन पेट्रोल पंप श्री मेगा हाईवे से भगत चौराहा होते हुए पुनः सिटी थाने आकर समाप्त हुआ। शहर में दीपावली पर्व के दूसरे दिन राम रामसा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर राम रामसा करते हुए दीपावली पर्व की बधाई दी। इस मौके पर लोगों ने मिठाइयों से मुंह मीठा करवाते हुए लोगों का स्वागत किया। राम रामसा के तहत शहर में गोवर्धन पूजा भी की गई। महिलाओं ने विभिन्न रंगीन परिधानों में सज धज कर भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना की। गोवर्धन पूजन के दौरान शहर की छावनी बस्ती में घोसी समाज की ओर से सामूहिक गोवर्धन पूजा की गई। इस दौरान पुरुषों ने भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना की तथा महिलाओं ने मंगल गीत गाए। मालूम हो कि छावनी बस्ती में घोसी समाज की ओर से गोवर्धन पूजा के दौरान समाज के कुमारे युवक गोवर्धन पिंड से पूरी उठाकर रस्म की अदायगी करते हैं। बताया जाता है कि उक्त रस्म की अदायगी करने वाले कुमारे युवक की शादी अगले साल तक हो जाती है। पूजा के दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। वंदे गौ मातरम ग्रुप द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। गोवर्धन पूजा के बाद गरीब निसहाय लोगों को एक समय का भोजन करवाया गया। वंदे गौ मातरम ग्रुप के सदस्य विजय नारायण साहू ने बताया कि गोवर्धन पूजा के बाद गरीबों के लिए भोजन तैयार कराया गया, जिसके बाद ग्रुप के सदस्यों ने शहर भर में अलग अलग स्थानों पर रहने वाले गरीबों तक पहुँचकर उन्हें सह सम्मान भोजन कराया गया। कार्यक्रम में भवानी सिंह, विजय नारायण साहू, दामोदर साहू, अश्विन साखला, जयंत सोलंकी, परमानंद सामरिया, दिनेश सिंह चौहान, तरुण कुमावत, जितेंद्र सिंह गहलोत, मनमोहन गहलोत, किशन कांत परिहार, विवेक प्रजापति, सोमनाथ जी, कमलेश जांगेट, प्रशांत सिंह राजपूत, कमलेश चौहान, सुरेश मालिक, कपिल सोलंकी, श्याम सैनी सहित आदि गौसेवक सदस्य उपस्थित थे। दीपावली के दूसरे दिन राम रामसा के मौके पर शहर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट बनाकर भगवान को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। नरसिंह गली स्थित नरसिंह मंदिर में रघुनाथ जी के बड़े मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के व्यंजनों तथा सब्जियों से तैयार किए गए अन्नकूट का भगवान को भोग लगाया गया तथा भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन करते हुए प्रसाद प्राप्त किया। ठाकुर जी महाराज के गर्भगृह को फूलों से सजाया गया, साथ ही 56 भोग की झांकियां भी सजाई गई। इस दौरान ठाकुर जी महाराज के 56 भोग की झांकी सजाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी महाराज की सजाई गई 56 भोग की झांकी के दर्शन कर धर्म लाभ उठाया। बाद में भगवान नरसिंह की महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती के बाद 1100 किलो के अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान नरसिंह मंदिर में दिन भर भक्तों का हुजूम ठाकुर जी के दर्शनों के लिए उमड़ा रहा। इसी प्रकार शहर के बड़े रघुनाथ जी के मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर आरती के पश्चात श्रद्धालुओं को अन्नकूट प्रसाद का वितरण भी किया गया। सूरजपुर गेट बाहर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान अन्नकूट प्रसाद तैयार कर ठाकुर जी को भोग लगाया गया तथा आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। रक्षाबंधन की तरह ही भैयादूज भी भाई बहन के अटूट बंधन और स्नेह का पर्व है। गोवर्धन पूजा के अगले दिन यानी शुक्रवार को भैयादूज मनाई गई। बहनों द्वारा भाई को पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार तिलक कर उनकी दीर्घायु की कामना की गई। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन विशेष सवार्थ सिद्धि योग का संयोग बना भैयादूज को शास्त्रों में स्नेह पर्व कहा गया है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। इस दिन यम के 10 नामों का भी स्मरण करना भी श्रेयस्कर रहता है। इस दिन बहनों द्वारा भाई को विशेष कर स्नेह दिया जाता है। ब्यावर में भी बहनों द्वारा नौ ग्रहों के प्रतीक स्वरूप नौ दीप प्रज्वलित कर ईश्वर की आराधना कर मनोकामना की गई। भैयादूज के दिन बहनें भाई को कुमकुम का तिलक कर साथ में अपने हाथों से बनाया भोजन कराती है। मान्यता अनुसार कुछ बहनों द्वारा भाई को पान खिलाया गया। कहा जाता है कि जो बहनें इस दिन अपने भाई को पान खिलाती है उनका सौभाग्य अखंड रहता है और भाई को यमलोक का भय नहीं रहता। घर के दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाने से भाई बहन के प्रेम और सौहार्द में वृद्धि होती है।
विगत 3 दिनों में उपखंड सहित शहरी क्षेत्र में लगभग 6-7 स्थानों पर घटित आग की घटनाओं में चारा सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर अग्निशमन के वाहनों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग की घटनाओं में कहीं पर भी जनहानि के समाचार नहीं है। जानकारी के मुताबिक दीपावली के दिन मेवाड़ी गेट स्थित कचरा डिपो में आग लग गई, जिस पर मिली सूचना पर अग्निशमन कर्मचारियों ने तत्काल आग पर काबू पाया और बड़ा हादसा टल गया। इसके अलावा नाईकला चारे के बाड़े में भी आग लग गई, जिस पर भी काबू पा लिया गया। दिवाली के दिन ही बिच्छूचोड़ा रामावास गांव में स्थित एक मकान में आग लग गई, जिससे मकान में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। समय रहते दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इसके अलावा जवाजा स्थित चारे के बाड़े में भी आग लगने की घटना सामने आई, जिसमें हजारों का चारा जलकर राख हो गया। दूसरी ओर फतेहपुरिया दोयम स्थित चारे के बाड़े में भी आग लगी। उधर जीवाणा गांव में 2 अलग अलग स्थानों पर, जिसमें चारे के बाड़े में और टमाटर मंडी में आग लगने की सूचना मिली, जिसमें काफी नुकसान होने की आशंका है। दमकल कर्मियों की सतर्कता के चलते सभी स्थानों पर समय रहते आग पर काबू पाया गया, जिसमें बड़ा हादसा होने से टल गया। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उधर दीपावली पर्व पर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भी घायलों की भरमार रही। दिवाली पर बीते 24 घंटों में विभिन्न हादसों में 50 से अधिक घायल अमृतकोट अस्पताल पहुंचे। विभिन्न हादसों जैसे बाइक स्लिप में 20 से अधिक घायल, विभिन्न अलग अलग मकान में गिरने से 10 से अधिक घायल, आपसी विवाद में 6 से अधिक घायल तथा शराब के नशे में धुत होकर गिरने हादसे से चोटिल घायल राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचे। इसके अलावा दीपावली पर्व पर सड़क हादसों में 2 को तथा करंट लगने से 1 को तथा संदिग्ध परिस्थितियों में 1 अन्य को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उधर गुरुवार को मधुमक्खियों के हमले में 1 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसे राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक बायला निवासी महेंद्र काठात दीपावली पर गाँव में ही अपने साथियों के पास जा रहा था कि गाँव की सड़क पर ही उड़ रहे मधुमक्खियों के झुंड ने उस पर अचानक हमला कर दिया। अचानक हुए मधुमक्खियों के हमले से बाइक सवार महेंद्र घबरा गया तथा बाइक की रफ्तार बढ़ाकर गांव की ओर पहुंचा और बाइक से नीचे गिर गया। एकत्रित हुए ग्रामीणों को महेंद्र ने बताया कि उसे मधुमक्खियों ने काट लिया है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने उसके परिजनों को दी तथा उसे उपचार के लिए अमृतकोट अस्पताल ले जाकर भर्ती करवाया, जहाँ उसकी स्थिति में सुधार है। गुरुवार को नोटबंदी के 2 वर्ष पूर्ण हुए। नोटबंदी को लेकर विभिन्न संगठनात्मक तथा पार्टी पदाधिकारियों ने अपने अपने तर्क दिए। किसी ने इसे आर्थिक हादसा बताया तो किसी ने नोटबंदी को हितकारी बताया। प्रधानमंत्री द्वारा देश हित में लिए गए इतने बड़े फैसले पर सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आमजन का कहना था कि देश हित में मांगे गए वो 50 दिन कहीं ना कहीं देश को पीछे धकेल ले गए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के मुताबिक नोटबंदी ने आमजन की दिनचर्या को बदल कर रख दिया। आइए जानते हैं ब्यावर के प्रबुद्ध जनों के नोटबंदी की वर्षगांठ को लेकर अपने विचार। दीपावली के ठीक 2 साल पहले 8 दिन बाद में कहते हैं कि विपक्ष का नेता कहते हैं कि काला दिन मानते हैं इसको, जो सरकार की तरफ से नोटबंदी है। इस नोटबंदी से सरकार ने नोटबंदी की वजह से कि काला धन भ्रष्टाचार कम हुआ है, पर सरकार अभी तक की रिपोर्ट ढंग से जनता को नहीं बता पाई है कि नोटबंदी से क्या फ़ायदे हुए हैं। बस नेताओं के बोल बच्चन चालू है, नोटबंदी से ये फ़ायदा है ये नुकसान है, पर अभी तक जो जमीनी स्तर का जो नोटबंदी से असर हुआ है वो अभी तक किसी को पता नहीं है। नोटबंदी से मेरी नज़र में सिर्फ व्यापारी को नुकसान है और आमजन को नुकसान है। तो मेरी सरकार से यही अपील है, इस नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ जैसा जनता के सामने लेके आऊँ। और नोटबंदी का जो करने का मुख्य कारण था कि काला धन आने का, जो आने वाली 2014 की जो सरकार ने हमें बताया था कि काला धन आएगा, वो अभी तक का उसका अभी तक हमको जवाब नहीं मिला। तो नोटबंदी के जो हमने 50 दिन हमने खराब करे थे, उस 50 दिन का फ़ायदा हमें कब मिलेगा और काला धन कब आएगा? नोटबंदी को हुए आज 2 साल पूरे हो गए हैं। 2 साल पहले जब नोटबंदी हुई थी तब लोगों ने, जनता ने ये सोचा था कि इस नोटबंदी के कारण काला धन फिर से आ जाएगा,
भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी, लेकिन आज हम दो साल बाद भी देखते हैं कि नोटबंदी से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि स्थिति बद से बदतर ही होती जा रही है। सरकार कालाधन लाने में नाकाम रही है, ना कोई विकास के कार्यों में भी ना तो कोई इसका असर देखने को मिल रहा है, और ना ही ऐसा कुछ बड़ा कुछ हुआ है देश में जिससे कि हम कहें कि नोटबंदी को सफल कहा जा सकता है। यही है कि नोटबंदी से जहां दो साल पहले लोग बहुत परेशान हुए थे, वो परेशानी आज भी बरकरार है। व्यापार में ना कोई बढ़ोतरी हुई है बल्कि घाटा ही देखने को मिला है, और आमजन नोटबंदी से त्रस्त हुए थे और अभी भी उसका असर देखने को मिला है। नोटबंदी को हुए 2 वर्ष बीत चुके हैं। मोदी सरकार ने जो नोटबंदी की थी उस पर एक नज़र मार के देखें तो आम जन में कुछ त्रासदी हुई है, न कि कोई फायदा मिला है। एक तरफ मोदी सरकार काला धन वापस लाने के लिए प्रयास कर रही थी, उस पर सरकार बताएं सार्वजनिक करें कि कितना धन वापस इंडिया में आया है और किन किन को कितना कितना फ़ायदा मिला है। ये सरकार आम पब्लिक को इस बात पर चर्चा करें और बताएं। आज हमारी केंद्र सरकार जो है मोदी सरकार, इनको नोटबंदी किए हुए 2 साल से ऊपर का समय हो गया है। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि 2 साल में इस नोटबंदी का हमारे नागरिकों को, हमारे आमजन को क्या फ़ायदा हुआ, ये सार्वजनिक करें। और जो मोदी सरकार ने कहा था कि हम काले धन को हिंदुस्तान में वापस लेकर आएंगे, काले धन पर हम काम करेंगे, मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने काले धन को वापस हिंदुस्तान लाने के लिए क्या कदम उठाए, क्या काम किए और कितना काला धन हिंदुस्तान में वापस आया, इसकी जानकारी सर्वसाधारण के साथ, बिल्कुल सर्वसाधारण के साथ बताया हमें कि भाई कितना रुपया वापस आया है। और हमारे देश के लिए मोदी सरकार इस नोटबंदी के बाद कितना निखर कर आई है, कितने काम हुए हैं उस एक कदम के बाद, वो हमें सार्वजनिक करें। काला धन को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले नोटबंदी की घोषणा की। हालांकि ये निर्णय एक तरह से देश के हित में लिया गया, लेकिन इस निर्णय का दूरगामी परिणाम अभी तक जो है वो नेगेटिव सामने आया। नोटबंदी से देश भर में 35 लाख नौकरियां छीन ली गई और कम से कम देश की GDP को गहरा नुकसान हुआ। अब नोटबंदी से अगर कोई फ़ायदा हुआ है तो सरकारी सार्वजनिक करें, क्योंकि आम पब्लिक को, आम लोगों को, आम जनता को, मध्यम वर्ग के परिवार को इसका नुकसान दिया जा रहा है। इसलिए नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ इसको कम से कम आम पब्लिक के सामने सार्वजनिक करना चाहिए। कालाधन को लेकर जो नोटबंदी का किया गया था कि नोटबंदी से कालाधन वापस आएगा, हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने आता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि देश की GDP जिस तरीके से गिरती जा रही है उस तरीके से लगता है कि कालाधन आने की संभावना नहीं के बराबर है। गुरुवार देर शाम आपसी रंजिश को लेकर अगवा कर लूट व मारपीट करने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक भूरिया खेड़ा निवासी वीरेंद्र रावत पुत्र जितेंद्र की मालपुरा निवासी पूरण चंद के साथ पुरानी आपसी रंजिश थी, जिसको लेकर गुरुवार को पूरण चंद दर्जन भर से अधिक युवकों को लेकर जवाजा पहुंचा और बाइक पर जा रहे वीरेंद्र रावत को रोक कर उसे अगवा कर लिया। बाइक पर ही अगवा कर पूरण चंद द्वारा वीरेंद्र के साथ मारपीट की गई। अपहरणकर्ताओं द्वारा वीरेंद्र के साथ मारपीट कर उसे विजयनगर रोड स्थित मालपुरा ले आए और उसके पास रखे मोबाइल, 1600 रुपए की नकदी और उसी की बाइक को लूट लिया। उधर वीरेंद्र के परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची जवाजा पुलिस भी मालपुरा गांव पहुंची और वीरेंद्र को छुड़वाने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर भी हमला बोला और दोनों के बीच हुई झड़प के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल वीरेंद्र को राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय भर्ती करवाया और बयान दर्ज कर नामजद मुकदमा दर्ज किया। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पीड़ित ने बताया कि पूरनचंद व उसके बीच में पुरानी रंजिश के मामले में भी दोनों के बीच समझौता हो चुका है, लेकिन फिर भी पूरनचंद ने उस पर हमला किया और अगवा कर उसके साथ लूट करने का प्रयास किया है। पुलिस ने पीड़ित के बयानों के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को राधाकुंज गार्डन में नवगठित कार्य समिति की पहली बैठक और दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया। प्रवक्ता जितेंद्र सिंह राजावत रवि डंडायत ने बताया कि कार्य समिति की बैठक में पदाधिकारियों का परिचय और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में सभी पदाधिकारियों ने अपना अपना परिचय देते हुए कांग्रेस के लिए समर्पण की बात कही। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कार्यकारिणी सदस्यों को आगामी चुनाव के लिए हुंकार भरने का आह्वान भी किया और त्रस्त ब्यावर को विभिन्न समस्याओं से निजात दिलवाने के लिए कांग्रेस को ब्यावर में मजबूत कर चुनाव में कांग्रेस की जीत का संकल्प दिलवाया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अजय शर्मा ने सभी कार्यकारिणी पदाधिकारियों का आभार प्रकट कर उनका सम्मान किया और कांग्रेस की कार्य योजना से अवगत करवाते हुए सभी को कांग्रेस के लिए एकजुटता से आगे आकर अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की अपील की। आयोजित बैठक में सभी ने आगामी चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की और पार्टी द्वारा किसी को भी टिकट मिलने पर उसके समर्थन की बात कही। बैठक समापन के पश्चात कांग्रेस पार्टी द्वारा स्नेह मिलन दीपावली स्नेह मिलन समारोह सम्पन्न हुआ, जिसमें विशेष आकर्षण के रूप में केकड़ी से मोलकिया ग्राम पंचायत की प्रसिद्ध अलगोजा पार्टी द्वारा भव्य संगीत में प्रस्तुतियां दी गई। अपने चित परिचित अंदाज में कलाकारों ने राजस्थानी रंग को दर्शाते हुए अद्भुत प्रस्तुतियों से सभी का मन मोहा। इस मौके पर सभी कांग्रेसियों ने एक दूजे को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी और मुंह मीठा करवाया। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्नेह मिलन कार्यक्रम के दौरान अपने उत्साह को प्रकट कर नृत्य प्रस्तुत कर एक दूजे का मन मोहा और अपनी खुशी प्रकट की। दीपावली पर्व पर देहात जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देश पर आयोजित बैठक और स्नेह मिलन समारोह के अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष अजय शर्मा ने देहात जिलाध्यक्ष का आभार प्रकट करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वरिष्ठ कांग्रेस जनों के अनुभव और मार्गदर्शन से संगठन को नई ऊर्जा विगतिशीलता मिलेगी और ब्यावर को भाजपा के कुशासन से मुक्त कराने के लिए कांग्रेस एकजुट होकर संगठित रूप से चुनाव में उतरेगी। उधर भाजपा में भी चुनावी घमासान लगातार जारी है। जयपुर में भाजपा के ही कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा गुरुवार को ब्यावर विधायक का जमकर विरोध किया गया। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जयपुर भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत का पुरजोर विरोध कर उन्हें टिकट ना देने की मांग की। भाजपा से जुड़े कुछ नेताओं ने विधायक के खिलाफ शंकर सिंह हटाओ ब्यावर बचाओ सरी के नारे भी लगाए और उन्हें किसी भी हाल में टिकट ना देने की मांग कर डाली। भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। वहीं कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जारी रखते हुए चुनाव संचालन समिति संयोजक गजेंद्र सिंह शेखावत से भी वार्ता की और विधायक शंकर सिंह रावत का टिकट काटने की मांग की। इस पर शेखावत ने नारेबाजी बंद करने की कहा और उनकी मांगों पर विचार कर जल्द फैसला सुनाने की बात कही। जयपुर भाजपा कार्यालय पर विरोध दर्ज करवाने वालों में गणपत सिंह मोगदेश, श्रवण सिंह भाटी, किशोर सिंह सहित कई अन्य स्थानीय नेता व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। छावनी रोड स्थित हजरत भोले सैयद पीर बाबा के सालाना उर्स के तहत गुरुवार रात्रि में गुलशने मुस्तफा दरगाह समिति के तत्वावधान में महफिल कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें कपासन के रेडियो टीवी सिंगर सलीम साबरी ने कलाम पेश किए। कव्वालों ने सूफी कव्वालियों सहित कौमी एकता के तराने पेश कर अकीदतमंदों को झूमने पर मजबूर कर दिया। महफिल में कव्वाल साबरी ने भर दो झोली मेरी या मोहम्मद एवं कर लो ख्वाजा की गुलामी कलाम के साथ शुरुआत की तो मौजूद उठे। उसके बाद रंगों में हमको मत बांटो, घरों में एक तिरंगा रहने दो जैसे कलाम पेश कर कौमी एकता का संदेश दिया। प्रचार मंत्री पप्पू पहलवान ने बताया कि कार्यक्रम में बतौर अतिथि मनोज चौहान, पार्षद हनुमान चौधरी, मुकेश कौशिक आदि ने शिरकत की, जिनका मेला संयोजक सलीम कबाड़ी, सदर गुलाम चिश्ती ने माला एवं साफा पहनाकर इस्तकबाल किया। इस दौरान कमरुद्दीन बाबा, मुजावर मोहम्मद हुसैन, फारूक पहलवान, इम्तियाज अली, बाबू भाई अनवर अली, मोहम्मद अली, नफीस गौरी, इरफान खान, अमजद अब्बासी, मोहम्मद हनीफ रंगरेज आदि मौजूद थे। शुक्रवार के दोपहर कुल की रस्म के साथ उर्स का समापन किया गया। इस दौरान शहर सहित बाहर से आए जायरीनों ने बाबा की मजार पर अकीदत के फूल पेश कर वतन में अमन चैन की दुआएं की। Oh,
आशिके नबी हूँ मैं तो आशिके नबी हूँ आशिके नबी हूँ मैं तो आशिके नबी हूँ मैं तो आशिके आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर भर में हर्षोल्लास से मनाया गया ज्योति का पर्व दीपावली। आधुनिकता पर परंपरा रही जिंदा। धूमधाम से मनाया गया गोवर्धन अन्नकूट महोत्सव व भाई दूज पर्व। शहरवासियों में दिखाई दिया उल्लास। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मनाया दीपावली स्नेह मिलन समारोह। नव कार्यकारिणी सदस्यों में भरा चुनावी जोश। और जवाजा में रंजिश के चलते युवक को अगवा कर मारपीट व लूट का मामला आया सामने। जवाजा पुलिस से भी आरोपियों ने की हाथापाई।